हंसी खुशी का जीवन। मानव जीवन में तीन कार्यों की प्रधानता रहती है, कार्य, मनोरंजन और विश्राम। साधारण व्यक्तियों में से प्रत्येक को जीविका उपार्जन के लिए दिन रात के 24 घंटों में से 8 घंटे का समय अवश्य लगता है। इस समय के बाद 8 घंटे विश्राम के लिए निकाल देने पर 8 घंटे का समय फुर्सत का मिलता है। इन 8 घंटों को किस प्रकार व्यय किया जाए जिससे अधिकतम आनंद, हंसी खुशी और शांति प्राप्त हो सके, यह एक विचारपूर्ण समस्या है। रोते मत रहिए। अनेक व्यक्ति प्रायः कहा करते हैं कि हमें आमोद प्रमोद तथा जीवन के आनंद उपभोग के लिए कोई अवकाश प्राप्त नहीं होता। हम काम से बेहद परेशान हैं, इतने झंझट पड़ते रहते हैं कि दिन रात उन्हीं में फंसे रहते हैं। यह बात ऐसी उदास मुद्रा में कही जाएगी जिससे वे अपनी अतीव असमर्थता, निराशा और बेबसी प्रकट करेंगे। स्त्रियों से पूछिए, तुम सारा दिन क्या कार्य करती हो? वे कहेंगी, हम रोटी बनाने, बच्चों की देखरेख करने, घर की छोटी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करने, झाड़ू बुहारी, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने और कपड़े सीने में हमें कोई अवकाश प्राप्त नहीं होता। यह कहते कहते उनका मुख चिंता, नैराश्य, पीड़ा और आंतरिक वेदनाओं से भर जाएगा। वे मानो रो देंगी। इन्हें देखने से आप यही अंदाज लगाएंगे कि इनका जीवन रोते कलपते व्यतीत होता है। सांसारिक चिंताओं का भार इनके ऊपर उतना अधिक है कि ये अपने जीवन में रोने पीटने और व्यर्थ का भार वहन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। उस जीवन से क्या लाभ जिसमें मनोरंजन और आनंद के दो क्षण ना हो। जीवन पर धन की चढ़ाई। अधिकांश सेठ, दुकानदार, क्लर्क, सरकारी नौकर, व्यापारी वर्ग धन उपार्जन तथा उसे जोड़ने में तो सतत प्रयत्नशील हैं, किंतु उसका जीवन तथा आनंद के लिए उपयोग करने में जागरूक नहीं है। कुछ अल्पज्ञ व्यक्ति केवल धन उपार्जन को ही जीवन का चरम लक्ष्य बनाए हुए हैं। धन उनके जीवन पर चढ़ गया है, वह उनकी असंख्य सांसारिक चिंताओं का कारण बन गया है। गृहस्थ संबंधी उनका सुख भी विलुप्त हो गया है। स्मरण रखिए, धन का उपयोग जीवन के लिए है। जीवन धन से बड़ा है, महान है। धन को इतनी स्वतंत्रता न दीजिए कि वह जीवन के ऊपर चढ़ बैठे और जीवन को चिंता, व्यग्रता तथा व्यर्थ के कार्यों से भर दे। जीवन धन से उच्च स्तर पर है। उसकी उपयोगिता जीवन के विकास एवं परिपुष्टि पर निर्भर है। आपको धन तत्व का उतना ही अनुपात चाहिए जिससे आपकी न्यायपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण हो सके और उसका विकास अवरुद्ध न हो जाए। इसके अतिरिक्त संग्रह करने या पूंजीपति बनने के लिए जीवन जैसी महान दैवी तत्व को विनष्ट न कीजिए। जब साधारणतः आपकी आवश्यकताओं के लिए धन प्राप्त हो जाए तो आनंद प्राप्ति के लिए उसका उपयोग कीजिए। आनंद तत्व की आराधना। जीवन का प्रधान लक्ष्य आनंद प्राप्ति है। हमें अधिक से अधिक आनंद, सुख, हंसी खुशी प्राप्त करना चाहिए। जिस व्यक्ति को आनंद प्राप्त नहीं हुआ और जो जीवन भर तेली के बैल की भांति संसार का भार ढोता रहा या रुपया पैसा एकत्रित करता रहा, वह चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध कहा जा सके, किंतु वास्तव में उसने जीवन का रस प्राप्त नहीं किया है। आनंद वह आत्मिक तत्व है जिसे प्राप्त करने पर मन, बुद्धि सुखी, संतुष्ट हो जाती हैं। संसार का समग्र सुख प्राप्त हो जाता है। आनंद क्या है? आनंद का संबंध मन से है। हमारी 5 इंद्रियां निरंतर आनंद या दुख की अनुभूति हमारे मन को दिया करती हैं। प्रत्येक इंद्री किसी प्रकार के आनंद या दुख से संबंधित हो सकती है। यदि हम प्रत्येक इंद्रिय को सुख की प्रतीति के लिए सचेष्ट रखें तो हमारे आनंद का विस्तार हो सकता है। हमारा आनंद आंतरिक है। जो व्यक्ति उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं वे गलती पर हैं। वाहन वस्तुओं से संबंधित होकर हमारी पंच इंद्रियां जो ज्ञान अंतर प्रदेश में ले जाती हैं, उनके द्वारा मन में आनंद की भावना उत्पन्न होती है। अतः सुख प्राप्ति के लिए मन को नैराश्य, चिंता, हीनता की भावना से निकाल कर सुख, आनंद और हंसी खुशी की मनस्थिति में
रखना चाहिए। मनस्थिति का यह महत्वपूर्ण सहार है। जिनका लक्ष्य जीवन में अधिक खुशी, आनंद और सुख शांति है, वे अपनी उसी प्रकार की मनोदशा बनाकर उसके समीप पहुंचते हैं। मनस्थिति के अनुकूल तत्व ही हम वातावरण से खींचा करते हैं। आशावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता। हम जितना अपने आप को सांसारिक वस्तुओं के मोह से बांधते हैं, जितनी अधिक अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की अभिवृद्धि करते हैं, उतने ही अधिक चिंताओं में निमग्न रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन संगीत को कड़वा कर देती हैं और हम प्रसन्नता के मोददायी वातावरण को मन में उत्पन्न नहीं कर पाते। हम छोटी छोटी बातों को लेकर झींकते कुड़ते रहते हैं। हमारा जीवन जंजाल से भरा रहता है। हम रोते पीटते चिंतित जीवन व्यतीत करते हैं। रोते मत रहिए, मस्त रहिए। आनंद तत्व से अधिक सानिध्य प्राप्त करते रहिए। आप जिन चीजों या बातों के लिए रात दिन चिंतित रहते हैं, उनसे आपका संबंध अल्पकाल का है, फिर क्यों उनके लिए अपने जीवन को शूलमय किया जाए। हम फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति को देखिए, सर्वत्र आनंद का राज्य है। शीतल मंद समीर किस आनंद में बह रही है। उद्यान में पक्षियों का कलरव सुनिए। सरिताओं, निर्झरों तथा छोटे बड़े नालों का जल किस मस्ती से गिरता है। एक एक बूंद बिखर कर मानो हंस उठती है और कहती है, हे संसार वालों, आनंद में खिलखिलाओ, मुस्कुराकर जीवन व्यतीत करो, व्यर्थ की चिंताएं छोड़ो। पक्षियों के पास कितनी पूंजी है, उन्होंने कितने रुपए किसी बैंक में जमा किए हैं, उनके घर में कितने वर्षों के लिए खाद्य पदार्थों का संग्रह है, उनके पास कितनी रजाई, बिछौने, पहनने के लिए सुंदर कीमती वस्त्र, कमरे, मोटर, झाड़ फूस है। किस प्रकार की पूंजी न होते हुए भी, कल के लिए भोजन, वस्त्र, मकान की व्यवस्था न होते हुए भी उनका जीवन कितनी प्रसन्नता और मस्ती से परिपूर्ण है। वे किस निश्चिंता से मधुर संगीत अलापते हैं। मोर को नाचते समय देखिए, किस बेफिक्री से वह विभिन्न नृत्य मुद्राएं बनाता है। 15-20 मिनट तक चलने वाला उसका नृत्य आनंद सागर में अवगाहन है। उसे न बाल बच्चों की चिंता है, न सांसारिक प्रपंचों की उलझने। हम इन प्राकृतिक जीवों से आनंद विषय शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इनके जीवन से आनंद तत्व को ग्रहण करना चाहिए। आनंद का संकल्प कीजिए। आइए अपनी कृत्रिम दुश्चिंताओं और दुर्भावपूर्ण कल्पनाओं को सदा के लिए त्याग कर आनंद तत्व के साधक बने। जीवन का रस पान करते चले। हंसी खुशी से अपने जीवन के प्रत्येक रंग रेशे को रंग लें। स्वयं हंसें, प्रसन्न रहें और अपनी प्रफुल्लता, मस्ती और आनंद को उदारता से वितरित करें। जगत को आनंदमय माने। यदि हम जीवन विषय नीचा दृष्टिकोण त्याग कर यह जगत आनंदमय है यह भावना अपने सन्मुख रखें, तो हमारे दुख, क्लेश और व्यर्थ की चिंताओं की अल्पकाल ही में समाप्ति हो जाए। हमारी चित्तवृत्तियां सच्चित और आनंद स्वरूप में एकाग्र हो जाएंगी। हमारे कल्पित दुख और क्लेशों की समाप्ति हो जाएगी।